हाय। सो आज मैं खड़ा हूँ केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, और सही मायनों में देखिए काउंसलिंग में मैं अपने क्लाइंट्स को बताता ही था, फिर लोगों ने बोला कि सर आप वीडियो भी बना दिया करो ताकि हम भी एक झलक देख लें जो आप समझाना चाहते हो। सो केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा एक्चुअली में मथुरा में है, अनलाइक द अदर कॉलेज विच इज़ कृष्णा मोहन। और ये जो कॉलेज की लोकेशन है, जब आप दिल्ली से आगरा की तरफ जाते हैं NS2 से, NS2 क्या होता है, NS2 है पुराना रास्ता जो फरीदाबाद पलवल से आता है, एक्सप्रेसवे वाला नहीं। तो ये कॉलेज बिल्कुल रोड के ऊपर पड़ता है, तो बिल्कुल जो इस समय मेरे राइट में हाईवे जा रहा है वो NS2 हाईवे है, और बिल्कुल हाईवे के ऊपर आपको ये बड़ा सा बोर्ड नजर आता है ऊपर KD हॉस्पिटल का, और ये सही मायनों में चलता हुआ हॉस्पिटल है। तो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में दो तरह के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक जिसमें हॉस्पिटल इसलिए खोला गया था कि कॉलेज चलाना है, और एक दूसरा वो जो हॉस्पिटल भी सेल्फ सस्टेनिंग है। सो KD हॉस्पिटल उनमें गिना जा सकता है जो सेल्फ सस्टेनिंग है। बहुत शानदार कैंपस है, इंफ्रा की कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैं एक लाइन में बोलूँ तो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर क्लोज स्टेट हैं राजस्थान या मध्य प्रदेश, मैं इसको आराम से टॉप 10 में ले सकता हूँ। सो जहाँ हम सोलन की बात करते हैं, हरियाणा में आदेश और HET की बात करते हैं, UP में सुभारती, शारदा, श्रीराम मूर्ति, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, आई थिंक KD मेडिकल कॉलेज उसी लीग का कॉलेज है, उसी लीग का हॉस्पिटल है। एवरी पर्सपेक्टिव, चाहे वो हॉस्टल्स हो, बहुत शानदार, बहुत बड़े बड़े हॉस्टल्स, अगर आप उधर देखें जब सारी बिल्डिंग हॉस्टल्स की है। मैं भी कैंटीन में लंच कर रहा था, और मैं आपको मैं बाबर कहता हूँ कि अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो एक से हम बोलते थे बचपन में ना एसिड टेस्ट। तो कॉलेज के एसिड टेस्ट क्या होता है, जब कॉलेज में एंटर कर रहे हैं अगर वो चलता हुआ हॉस्पिटल है ना, तो कभी भी आपको कॉलेज के मेन गेट पे रोका नहीं जाएगा, क्योंकि दिन में कई लोग आ रहे हैं, अगर वो एक एक बंदे से पूछेगा कि भाई क्यों जाना है, तो आप देखेंगे कभी हॉस्पिटल के मेन गेट पे थोड़ी ना एंट्री होती है। आप घुसते हैं अंदर, आप इमरजेंसी में हो सकते हैं, आपकी गाड़ी पेशेंट बैठा हो सकता है, ये एंट्री कराने का ड्रामा तो एक क्लोज्ड ऑफिस में होता है और हॉस्पिटल नहीं होता है। तो जब आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं ना, आपको मेन गेट की एंट्री में पता चल जाएगा कि क्या ये चलता हुआ हॉस्पिटल है कि नहीं है। तो चाहे वो SGT हो, आदेश हो, श्रीराम मूर्ति हो, और एक KD मेडिकल कॉलेजेस हो, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, इस तरह किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्पिटल में जाइए, कभी आपने देखा गेट को आपको रोके, हाँ पार्किंग हो सकती है, आप जाके पार्किंग का पेमेंट करेंगे, या MMU सोलन हो गया, वो तो उसे अगर पार्किंग ही 1000 गाड़ियों की है, वो तो अपने आप में एक छोटा शहर है, तो कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद ऑफकोर्स पार्किंग फ्री है, देखिए अपना सारा ये पार्किंग का एरिया है, बाहर भी पार्किंग है, अंदर भी पार्किंग है, बोला हॉस्टल्स हैं, चलता हुआ हॉस्पिटल है, लोकेशन बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल दिल्ली मथुरा रोड के ऊपर है, मथुरा मतलब वृंदावन से 10 किलोमीटर पहले, और इसके बगल में ही एक फेमस GL बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। अगर आप मथुरा से आ रहे हैं तो GLA यूनिवर्सिटी मैंने अभी छोड़ दी है, दैट मीन्स दिल्ली से आ रहे हैं, सो GLA यूनिवर्सिटी के 3 किलोमीटर पहले राइट हैंड साइड पर पड़ेगी, बिल्कुल जब बाबा कह रहा हूँ बिल्कुल NH2 के ऊपर आपको नजर आएगी, आपको कोई रोड को अकबरपुर एरिया को बोलते हैं, तो वैसे वृंदावन से 10 किलोमीटर पहले है, मथुरा से 14 किलोमीटर पहले हो गई, पर कोई कमी नहीं है। इट्स अ गुड प्रॉपर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि एक पेरेंट उम्मीद करता है, चाहे वो चलता हॉस्पिटल हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो बाकी फैसिलिटीज़ हो, पहुंचने का आराम है, आप रोड के ऊपर हैं, आप कभी भी दिन में आ जा सकते हैं, रात को आ जा सकते हैं, बहुत चलता हुआ NS2 है। जैसा मैंने कहा मथुरा शहर यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, उल्टे में जाएंगे तो पलवल और फिर फरीदाबाद आ जाएगा। सो वेरी नाइस। और फिर से जो बाबा कहते हैं, अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें, सिर्फ UP नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली टॉप 10 नहीं तो 15 में, अगर आप उत्तराखंड को भी जोड़ लेंगे तो आप कहेंगे चलो, और आप फीस के हिसाब से देख लें तो फिर तो पक्का टॉप 10 है, या टॉप 5 भी हो सकता है, क्योंकि SGT की फीस ज़्यादा है। तो फीस को अगर वैल्यू फॉर मनी की मैं बात करूँ तो शायद आदेश, उसके बाद सुभारती, शारदा, श्रीराम मूर्ति और KD अपना आ जाएगा, तो इट इज़ डेफिनेटली इन द टॉप लीग ऑफ कॉलेजेस। सो जो भी लोग MBBS इंडिया के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ UP नहीं, क्योंकि UP से ओपन स्टेट, तो पूरी इंडिया के बच्चे यहाँ पर आके पढ़ाई कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा कि आपको बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग है। कैंटीन वाले से मैं गप्पे मार रहा था, और उसी चलती कैंटीन थी, तो मैंने पूछा, मैं कहा भैया कितने पेशेंट आते हैं, तो उसमें मुझे दिखाया, कहता सर पीछे जितने आप ये बैठे हैं सारे पेशेंट, उनकी फैमिली तो हैं, कहता सर स्टूडेंट से थोड़ी ना कैंटीन चलती है। तो ये बड़ा पॉजिटिव सिग्नल था, क्योंकि किसी आप जब आप दबे हुए कॉलेजों में जाओगे तो पता चलता है जो छोटी मोटी कैंटीन चल रही है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हिसाब से ही चल रही है,
वही जो दिन में खा लेते हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं। बट ये कैंटीन वाला बड़ा पॉजिटिव था, बड़ा प्यारा आदमी था और प्रॉपर कैंटीन सेटअप चल रहा था, पता चलता है ना। तो इसे रनिंग वेल गुड कॉलेज एंड हॉस्पिटल केडी मेडिकल कॉलेज डेफिनेटली इज इन द टॉप लीग। आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। एक बार नज़र मार लूँ फिर भी, देखिए अगर आपको पीछे से नज़र आ रहा होगा कुछ दो चार गाड़ियाँ अगर जाती हुई, तो ये सारा NS2 जा रहा है। जस्ट पीछे इस दीवार के ठीक पीछे NS2 ही है। मतलब ऑफकोर्स हम सर्विस लेन में आ गए थे, पर सर्विस लेन के पीछे मेन रोड है। तो अगर आप दिल्ली से आगरा की बस पकड़ते हैं तो बस भी आपको कॉलेज के सामने उतार देगी। जाते समय अगर आप कॉलेज के सामने जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि बस ऐसे रुकेंगी हाथ देने से, पर थोड़ी आगे पीछे जाके आपका काम हो जाएगा। तो पहुंचना बहुत आसान है, आपके बच्चे का वापस आना बहुत आसान है। वीकेंड पे अगर वो आना चाहता है, स्पेशली मतलब नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए, तो ये बहुत बहुत अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। नमस्कार, बाय बाय।